ऐसा माना जाता है कि जमीन के नीचे पाताल लोक है और इसके स्वामी शेषनाग हैं। पौराणिक ग्रंथों में शेषनाग के फण पर पृथ्वी टिके होने का उल्लेख मिलता है। शेष चाकल्पय देवम नंदन विश्वरूपेनम योधारिति भूतानि धरा च मा सप पर्वताम। इन परम देव ने विश्वरूप अनंत नामक देव स्वरूप शेषनाग को पैदा किया, जो पहाड़ों सहित सारी पृथ्वी को धारण किए हैं। उल्लेखनीय है कि हजार फणों वाले शेषनाग सभी नागों के राजा हैं। भगवान की शैया बनकर सुख पहुंचाने वाले उनके अनन्य भक्त हैं। बहुत बार भगवान के साथ साथ अवतार लेकर उनकी लीला में भी साथ होते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनंतश्चास्मि नागान यानी मैं नागों में शेषनाग हूँ। नीव पूजन का पूरा कर्मकांड इस मनोवैज्ञानिक विश्वास पर आधारित है कि जैसे शेषनाग अपने फण पर पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ठीक उसी तरह मेरे इस घर की नींव भी प्रतिष्ठित किए हुए चांदी के नाग के फण पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित रहे। शेषनाग क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए पूजन के कलश में दूध दही घी डालकर मंत्रों से आह्वान पर शेषनाग को बुलाया जाता है ताकि वे घर की रक्षा करें। विष्णु रूपी कलश में लक्ष्मी स्वरूप सिक्का डालकर फूल और दूध पूजा में चढ़ाया जाता है, जो नागों को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान शिव जी के आभूषण तो नागा है ही, लक्ष्मण और बलराम भी शेष अवतार माने जाते हैं। इसी विश्वास से यह प्रथा जारी है।